Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लेकिन मसले हैं संगीन यह तीन खावती। ये देखो घर की हालत देखो, ये देखो, ये देखो कितनी मिट्टी धूल जमी हुई है। ये नहीं होता कि कोई सफाई सुथराई कर ले तुम लोग। हाँ सही बात है अम्मा, मैं तो सोच रही हूँ अगली मर्तबा ना कलर ही चेंज करवा दे। ओ मेरा खुदाया काम चोर, अब तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। देखो जरा बातें करवा लो अम्मा से, ये नहीं तो देर से फोन बज रहा, फोन उठा ले। तूने इस फोन की रिंगटोन सुन ली और जो मैं इतनी देर से मगजमारी कर रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है ना। फोन फोन हेलो जी मिसेस नवी, कैसी हैं आप? क्या अरे रे रे, बहुत अफसोस हुआ। बस अल्लाह आप लोगों को सबर दे और इन लोगों का बेड़ा गर्क करे जिसने ये गेम बनाई है। नहीं नहीं जरूर दुआ करूंगी, बस आप सबर से काम लें, बस अल्लाह बेहतर करेगा। मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। जी जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह। क्या हुआ अम्मा, कोई बुरी खबर है क्या? अरे मिसेस नवीद नहीं है, उनकी भांजी ने दुबई में खुदकुशी कर ली। अरे यार क्या बड़ी बात है, बाहर मुल्कों में तो यही होता है, किसी लव शप के चक्कर में कर ली होगी खुदकुशी। अरे कोई ऐसा चक्कर वक्कर नहीं है, वो निकली है ना कौन सी ब्लू व्हेल गेम, उसकी वजह से। हाय अल्लाह अम्मा ये बात हकीकत है, न्यूज भी चल रही है उसकी, तो ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच्ची में है। और वाकई अगर उसकी कोई टास्क पूरा ना करे ना तो जान तो मार देती है। ये क्या है? क्या होती है जब मैं इतना बुलाती हूँ तो तुम भी दलदे हो। नहीं नहीं मुझे तुम्हारे गाने से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मशकूक हरकतों से डर लग रहा है। नीली कौन सी मथूत हरकतें हैं? ये जो तुमने ब्लू व्हेल वाला रूप धार रखा है। क्यों तामे मोती होती हूँ मैं, तुम्हें ब्लू व्हेल मतली लग ली हूँ। नहीं नहीं फौदिया मोटी नहीं हुई तुम, लेकिन बहुत खतरनाक लग रही हो, प्लीज मुंह से दूर रहो। अच्छा तीते तोलो ना दाते देते हो माली मोती मतीन, तो जरा तलंत मार ली है, करंट मारी है। तुम क्या चाहती हो मैं मर जाऊँ? फौदिया मैं ये कातिलाना गेम नहीं खेल सकता, पहले ये 150 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और तुमने इतनी आसानी से बोल दिया। क्या हमारी वोटिंग मतिन इतनी खतरनाक हो रही है? फौजिया तुम कितनी आसानी से इतनी जालिमाना बातें कर रही हो, 150 लोगों को धोके रख दिया और तुमने ऐसे कह दिया। ओफो नदल तुम तलो, मुझे तो तमन्नी आली तुम ता बातें तल लो। फौजिया जब तक तुम ये कपड़े पर नहीं बदलोगी तो मेरे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ अच्छा तो सीधी तरह बोलो ना, तुम्हें ये ब्लू तलल से नफलत है? ठीक है मैं तीन तल लेती हूँ। What is it? मुझे टास्क पूरा करने दो। कौन हो तुम और ये हॉरर मूवी देख के कौन सा टास्क पूरा कर रहे हो? माय नेम इज जिमी। अच्छा तो ये वो वाली मूवी है? ये फिल्म नहीं है, मेरा नाम है, तुम्हारे मोहल्ले में रहता हूँ। वो तो ठीक है मगर तुम्हें इस घर में किसने आने दिया? ब्लू व्हेल ने। ये कौन सी बला है? ये बला नहीं है, ये गेम है जो मुझ जैसे ब्रेव और टैलेंटेड लड़के खेलते हैं। अरे मगर तुम खेल जा रहे हो, तुम तो मूवी देख रहे हो। हाँ तो ये भी एक चैलेंज है, तुम्हारे घर में हॉरर मूवी देखना, 50 दिनों में 50 टास्क पूरे करने होते हैं। अच्छा और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? तुम्हारा काम नहीं है, तुम डर जाओगी। मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, बताओ तो सही क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? कुछ भी चैलेंजेस हो सकते हैं, अपनी जान भी देनी पड़ती है। ये तो मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं मैंने कहा था ना तुम्हारा काम नहीं है, अब जाओ मुझे मेरा टास्क पूरा करने दो।
this town because of one thing. An evil thing. Bill, if you'll come with me, we'll float too. George. Allah, ye kaisa message aaya? Kya hai ye? Shazia! नाम शाजिया तो क्या हुआ वो तो बैली है तुन्नी तत्ती मैं तो तुम तत्ती हूँ मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ तुम्हें आ गई हाँ मैं इतनी बैरी नहीं हूँ जो ये सब कह रही थी ना वो सब सुना है मैंने सुन लिया था तो भी फौरन क्यों नहीं आई अरे पहले जवाब दे दो ना लोग हल्का लेते हैं मैं तेरी माँ हूँ ये हल्का भारी मुझे ना समझा अच्छा अम्मा तोलो ना ये तो बताओ बुलाया तू था हाँ ये देख मेरे मोबाइल में ना अजीब सा मैसेज आया ओ अल्लाह शुक्र करो अम्मा इस उम्र में अजीब से मैसेज आ तो रहे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है पर इसको देख क्या है ये अच्छा नलाय भाई नलाय राजू लकोल मर गया तावा बहन तोन मल दिया हमारी अम्मा है मेरा मतलब है कि वो वेल मछली वाला जो गेम है ना ब्लू वेल उसका मैसेज आया है अल्लाह अल्लाह माँ ये तो बहुत खतरनाक गेम है मुझे ना नदल बताला था इतने ना लोग मल जाते हैं अरे हटा मैं नहीं डरती है नीली पीली मछली से अम्मा ऐसी बातें मत करो पता है क्या है कि तुमने हमारा चैलेंज कबूल नहीं किया तो तुम्हारी बेटियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है ये बात है फिर तो अच्छा है फिर तो मैं ब्लू वेल का शुक्रिया अदा करूंगी अम्मा तुम ऐसा नहीं कर सकती मैं करूंगी देख नहीं नहीं अबे ये कौन है झाड़ू से छोटा अबे ये तो अपना हीरो है अबे हीरो और तू कब से भर्ती हो गया कातिल गेम में भर्ती नहीं होते कातिल गेम क्या 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 कहा तूने और क्या मैं तीसरा चैलेंज पूरा कर रहा हूँ तीसरे चैलेंज में मोहल्ले की सफाई इससे बेहतर है तू वो खुदकुशी कर ले हाँ यार अब मेरा दिल भी चाहता है मैं खुद को गोली मार दूँ ना मेरे दोस्त ऐसी हरकत मत करना मैं कुछ करता हूँ तो मेरी खातिर तू मर जाएगा क्या पागल हो गया क्या ऐसे कैसे मर जाऊँ तेरी जगह ब्लू वेल वालों को तू पसंद आया तेरी जान लेंगे वो हाँ नहीं मैं अपनी जान पहुँची कुछ नहीं होने दूंगा तमीज से बात कर वो मेरी बीवी है अच्छा ये ना हो के ब्लू वेल की जगह मैं तुझे मार दूँ अल्लाह करे तुझे गेम का चैलेंज मिल जाए हीरो मुंह अच्छा ना हो बात तो अच्छी कर लिया कर क्यों किसी गरीब की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है अम्मा अम्मा क्या हमें इंटरनेट से डाउनलोड किया था जो हमारी कोई परवाह ही नहीं है जब अंडे गंदे हो जाए ना तो उन्हें संभाल के रखना बेवकूफी है अम्मा क्या है क्या तुम मिले हर वक्त नदलती बुलाइयां तलती लेती हो कौन कर रहा है मेरी बुराई अभी तक तो किसी ने नहीं की लेकिन अब करनी पड़ेगी कहाँ से आ रहे हो ये आवारा गर्दी करके सासू माँ मैं हीरो से मिलकर आ रहा हूँ वो बेचारा मौत के मुंह में चला गया ताऊ मेले मेरा मतलब है बिताली हीलो तो ताऊ आ जावा मेले हीलो तो तू बड़ी मरी जा रही है आधा पाव आशिक सासू माँ अब तो आधा पाव भी नहीं रहा कातिल गेम ने उसको बुरी तरह से अपने शिकंजे में घेर लिया क्या उसको भी मैसेज आ गया क्यों किसी और को भी मैसेज आया क्या हाँ ना दलदी अम्मा तो मैसेज आये और पता है आज ना पहला तात मिले था और मैसेज में उसने साफ बोला है कि अगर अम्मा ने उसके टास्क पूरा नहीं किया ना तो वो उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएगा सासू माँ आपने तो अपनी जिंदगी गुजार ली अपनी जवान बेटियों का तो ख्याल करें आप इतना जी कर क्या करेंगी मैं नहीं डरती ये फजूल गेमों से डरना चाहिए सासू माँ डरना चाहिए मौत का बड़ा खतरनाक किस्म का गेम है ये मुझे ना डरा मैं डरा नहीं रहा आपको मैं आपको समझा रहा हूँ तू समझ तू समझे ना जी आप कौन और किस सिलसिले में यहाँ आए आप गालिबन लड़कियों की वालदा हैं
जी जी क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल। माशाल्लाह साहब देवा लगती हैं। अल्लाह को जो मंजूर। लेकिन आपने माशाल्लाह किस खुशी में कहा? चश्मे बद्दू वही मैंने इसलिए कहा कि आपको नजर ना लगे। इस घर को तुम नजर महसूस कब से लगा हुआ है? खैर हाँ आप किस काम से आए? भाई मैं शादी के सिलसिले में आया हूँ। मुझे मालूम हुआ कि आपकी दो बेटियाँ शादी के इंतजार में हैं। जी जी हैं। आपका बेटा क्या करता है? हाँ? कौन सा बेटा? भाई जिसकी शादी के लिए आप यहाँ आए हैं। अरे मैं खुद आया हूँ, मैं घर में अकेला रहता हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप अकेले आए हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया। अब लड़की दिखलाइए जिसकी शादी आपको पहले करनी है। जी जी मैं बच्चियाँ बुलवा लेती हूँ, जो आपको पसंद आए फिर उसकी बात कर लेंगे। माशाल्लाह बड़ी रोशन ख्याल है आप। वाह दोनों को बुलवा लीजिए। शाजिया शाजिया मारिया मारिया दोनों आ जाओ बेटा। जी अम्मा। अब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जो भी अच्छी लगे उसका रिश्ता आप मांग लो। तो अच्छी तो दोनों लग रही हैं, लेकिन इस्लाम में एक साथ दो बहनों से शादी जायज नहीं। तो दो बेटों की तो शादी हो सकती है ना? ये आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके सर पर मौत सवार हो वो आधी रात ही देखता लड़की है। मगर एक टांग पे क्यों खड़े हो? क्योंकि चैलेंज मिला है कि इस लॉन में आधी रात को 30 मिनट एक टांग पर खड़ा होना है। पौधिया जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करो, घर में मेहमान आए। अले इतना है? पता नहीं कोई अंकल नुमा चीज है। अले इतना मतलब तुम्हारे लिखते डाले हैं। एक्सक्यूज मी मेरे रिश्तेदार बड़े डिसेंट और ग्रेजुएट हैं। तो फिर कौन है? मुझे नहीं पता, अंकल ने बोला कि किसी बड़े को भेजो, मैंने सासू माँ को उसके पास भेज दिया। तो ठीक है फिर अम्मा तही दी तो मैं चाय बनाऊंगी। अम्मा ब्लू वेल है, जो तुम्हें जो बात बोलेंगी तुम तभी करोगी। तुम्हें ब्लू वेल से ना तंग आ रही हूँ। क्यों फौजिया डार्लिंग, तुम्हें भी कोई टास्क दे दिया क्या उसने? दी नहीं, तुम ते वाला चैलेंज हो तो तय मेरी जिंदगी में। फौजिया तुम मेरी मोहब्बत को चैलेंज समझ के कबूल करती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा फ्लील होने की दलूलत नहीं है, मैं थोड़ी दाते दे देती हूँ। कौन आया? ओके कौन आया? हाँ अब मैं ये तो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं खोलते दाऊंगी, तुम तोलो। पहले तुम जरा चल कर दिखाओ। मैं अगर तुम भी चल कर दिखाओ। आप क्या कुर्बानी का बकरा लेने आए जो चला चला कर चेक कर रहे? देखिए रिश्ते का मामला है, दुल्हन परफेक्ट हो, कोई ऐब ना हो। सिवाय खुदा के हर चीज नामुकम्मल है, आपको जो भी अच्छी लगे उसका रिश्ता आप मांग लें। तो अच्छी तो दोनों लग रही है, लेकिन इस्लाम में एक साथ दो बहनों से शादी जायज नहीं। तो दो बेटों की तो शादी हो सकती है ना? ये तो इस्लाम में जायज है। आप एक काम करें, बजाय आप पसंद करने के आप अपने लड़के को बुलवा लें, लड़का लड़की पसंद कर लेगा क्योंकि जिंदगी तो उसने गुजारनी है ना। कैसी बातें कर रही हैं खाला आप, शादी तो मुझे करनी है ना, तो लड़की भी मैं ही पसंद करूंगा। क्या? क्या? नजर ये तुमने ठीक नहीं किया है। अच्छा अब ठीक है? अरे खास ठीक है, लोगों को घर में लाके बिठा देते हो। सासू माँ जिस किस्म के आपके रिश्तेदार होंगे उसी किस्म के लाके बिठाऊंगा ना। अरे वो कब्बा बुड्ढा मेरी बेटियों के रिश्ते के लिए आया है। हाँ तो अच्छी बात है ना, सासू माँ बुड्ढे होंगे तो उनके जवान बच्चे होंगे ना। अरे वो खुद अपने लिए आया है। अपने लिए? सासू माँ अगर इस तरह के एक्सपायर बुड्ढे रिश्ता लेके आ सकते हैं तो फिर मुझ जैसे हैंडसम जवान में क्या बुराई है।
कितना बदतमीजी है नदन। हाँ क्या बदतमीजी है, लेकिन एक बात बताऊं, ये बदतमीजी ना इसकी है ना इसका कसूर है और ना उस बुड्ढे का कसूर है। ये सब कुछ किया जा रहा था हमारी अम्मा का है। वो कैसे? वो ऐसे ब्लू वेल वाले का मैसेज नहीं आया था कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हारी बेटियों को नुकसान होगा। वाकई में अम्मा वो तो बिल्कुल भी इतना बुद्धा नहीं था। सासू माँ चैलेंज कबूल कर लें, क्यों लड़कियों पे जुल्म ढा रही है। अच्छा ठीक है, जब खुदा को यही मंजूर है तो फिर यही सही, देखती हूँ ना क्या चैलेंज आता है। हाँ शुक्रिया अम्मा, थैंक यू सो मच। हम आपकी ये कुर्बानी ना जिंदगी भर याद रखेंगे। आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके सर पर मौत सवार हो वो आधी रात ही देखता लड़की है। मगर एक टांग पे क्यों खड़े हो? क्योंकि चैलेंज मिला है कि इस लॉन में आधी रात को 30 मिनट एक टांग पर खड़ा होना है। मगर तुम्हें तो 40 मिनट हो गए। तो फिर? तो चैलेंज तो सिर्फ 30 मिनट का है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने भी पढ़ा है कि जो छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं ना उनको 30 मिनट में पूरा करना पड़ता है। वाओ 30 मिनट तो चैलेंज के लिए, पर अब मुझे मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे बात कर रही हो। वैसे इस घर में और कोई नहीं है क्या? है, बहुत सारे लोग हैं। तो फिर हर दफा मुझे तुम ही क्यों नजर आती हो? यही तो नुकसान है खूबसूरती का, ना नजर आने वाले को भी नजर आ जाती है। ओ मैं सदके जाऊं, वैसे गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। थैंक यू। गुड नाइट। ठीक है पहला चैलेंज 20,000 रुपए हीरो को दे। हैं हीरो? ये कातिल गेम वाले हीरो को भी जानते? ये 20,000 रुपए मैं हीरो को क्यों दूं? अभी मैसेज करके पूछती हूँ। चला गया मैसेज। अम्मा, नजर भी ना आपकी तरफ फंस गया। क्या उसे भी 20,000 का चैलेंज मिला है? अरे नहीं नहीं, उसके पास तो ये मैसेज आया है कि तुम तैयार रहो, तुम्हें हमने गेम खेलने के लिए चुन लिया है। अब उस बेचारे का क्या होगा और बेचारी फौजिया का? अरे जो सबका हो रहा है, मगर अभी तक तो गेम वालों का कोई जवाब नहीं आया। अल्लाह मेरी माँ, तुम कितनी भोली हो। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ चैलेंज भेजते हैं, जवाब नहीं। 20,000 रुपए मुझे हीरो को देने पड़ेंगे। हाँ एक काम करें, आप मुझे दे दें पैसे, मैं जाकर नजर को देती हूँ, नजर हीरो को दे देगा। नहीं नहीं, उस आधी औरत को मैंने पैसे नहीं भिजवाने। तो जान भी जा रही है और पैसा भी डबल जाए। नहीं भाई नहीं। या अल्लाह अम्मा, पैसे का क्या करेंगी आज जब जिंदगी नहीं रहेंगी, और कब्र में पैसे लेके नहीं जाते, कफन में जेब नहीं होती। अरे कोई तो जिंदा रहेगा, किसी को भी मिल जाएंगे। चलो हाँ ये बात भी ठीक है, फाइनली मिलने तो मुझे ही है क्योंकि सबसे बड़ी बेटी तो मैं ही हूँ। हाँ, तुझे चैलेंज ना मिल जाए और तू भी नहीं, मुझे क्यों डरा दिया, मैं मोबाइल पकड़ूंगी नहीं, रखूंगी नहीं। बता कर तो आया कर बहन, मैं समझी ब्लू वेल आ गई। हाँ ब्लू कपड़े अगर मैंने पहने तो क्या मैं तुम्हें ब्लू वेल नजर आ रही हूँ? हाँ मैं इतनी मोटी थोड़ी हूँ, तो डाइटिंग कर करके अपने आप को कम कर लिया है। लेकिन तुम ये बताओ क्या छुपा रही हो? मैं ब्लू वेल से क्या छुपाऊंगी? ब्लू वेल से नहीं, मुझसे क्या छुपा रही हो ये बताओ। हाँ लेकिन खैर चलो ना बताओ, कोई फायदा नहीं, मेरी इन नेक और पार्स आंखों ने सब देख लिया। गुनेगार आंखें बोल, गुनेगार आंखें। हाँ यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ क्योंकि तुम्हारी बेशर्मी देख के मेरी आंखें वाकई गुनाहगार हो गई हैं। ऐसे क्या कर दिया मैंने? मैं तो सिर्फ कैश ही देख रही थी। हाँ 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 हाँ, मैं उसी ऐश की बात कर रही हूँ जो रात में तुम उस लड़के के साथ लॉन में कर रही थी। लॉन में ऐश?
शाहजी क्या हो गया है तुझे? तुम बताओ ये सब क्या चक्कर चल रहा है? कसम से शाहजी, कसम से मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तुम हमारे घर में क्या खेल खेल रही हो और क्या खेल खेलने आती हो। अब तुझे खेल के बारे में पता चली गया है तो तू एक काम कर कि ये पैसे तू रख ले और बिल्कुल अपनी जबान बंद रखना, ठीक है? अब क्या बात कह रही हो मेरी बहन, पैसे मिलने के बाद तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। मैं चलती हूँ। सारे पैसे लेके अबे इधर रुक, पैसे निकाल। कौन से पैसे? वो जो 20,000 रुपए तूने मेरी सासू माँ से लिए हैं। उधर लड़की ले गई। झूठ मत बोल हीरो, मेरी सास से तूने पैसे लिए, उस लड़की पे इल्जाम मत लगा। हाँ आंटी ने 20,000 रुपए दिए थे, मगर मगर क्या, मगर तू मुझे टोपी मत पहना, मैं बता रहा हूँ। मुझसे तो वो लड़की ले गई, उसे भी टास्क मिला था। अजीब चैलेंज है यार हीरो, पैसे इधर से उधर जा रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं आ रहे। इसीलिए तो लोग मर जाते हैं। हीरो मेरा क्या होगा यार, मुझे तो चैलेंज मिला था, तुझसे 2,000 रुपए लेने हैं। किसने दिया था चैलेंज? निजी मशीन? नहीं यार, मुझे ना फौजिया ने चैलेंज दिया था। ब्लू वेल के 2 चैलेंज तो मैं पूरे कर चुका हूँ। अगर फौजिया ने पैसे मांगे तो मैं खुद जाके देता। ज्यादा होशियार मत बन यार तू, मैंने मरने से पहले ना फौजिया को निहारी और सीबीयू घुमाना है। बस ठीक है। अरे अम्मा क्या होती है, दिल डाल दी, अंधी होती है? नहीं फौजिया, अंधा बनना पड़ा है। ताओ दे अम्मा, अति ताती आते तो हैं, तो लेने। नहीं खोल सकती, चैलेंज मिला। क्या हो रहा है यहाँ पे? और शाजिया, तुमने मेरा मोबाइल फोन अपने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? इसमें भी हमारा हाथ है ना बेटा। किस चीज का चाची? अरे तुमने टीवी पे इश्तिहार नहीं देखा कि अपने बच्चे पर और अपने घर में आने वाले लोगों पर नजर रखे? ये है तिनका वदी। नहीं फौजिया, अंधा बनना पड़ा है। ताओ दे अम्मा, अति ताती आते तो हैं, तो लेने। नहीं खोल सकती, चैलेंज मिला है, 3 घंटे आंखें बंद करके सारा काम करना है। तो फिर ये ताम तने थो दाए, थोने से अता तो ये और ताम नहीं है। वो तो ठीक है, मगर मुझे ना बाथरूम जाना है। हाँ तो ठीक है, बाथरूम जाके थो दी? नहीं भाई, हाँ थोड़ी सोंगी जाके, मुझे कोई और काम है। अच्छा मैं समझ गई, चलो मैं आप तो ले चलती हूँ, ठीक है? चलो ले बाथरूम, इतना लफ है। अम्मा चलो इधर, चलो मैं था तू आपते, पता नहीं कौन से तैलन में पल रही हैं आप। आए देख लो ना क्या है। हम खूबसूरत लड़कियों का बस एक यही मसला कि पैसे ज्यादा आ जाए तो समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ खर्च करूं। मुझे दे दो। क्या दे दूं? पैसे। क्यों? तुम क्या डाकू हो? नहीं नहीं नहीं, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं तो एक शरीफ लड़का हूँ। अरे पगले लड़के, अगर तुम प्यार और मोहब्बत से भी मुझसे मांगते ना तो तुम जैसे लड़के को इनकार करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी थोड़ी मार दी। अरे मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसे मेरी जिंदगी के सिर्फ 10 दिन रह गए। हाय अल्लाह, तुम्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अरे नहीं पगली, मैंने ब्लू वेल गेम चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और आज मेरा 40वां है। क्या? मेरा मतलब है 40वां चैलेंज है। तो फिर क्या चैलेंज है? तुमसे 5,000 छीनकर मारिया के लिए लार्ज पिज्जा ऑर्डर करना है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, तुम उसको पिज्जा सैंडविचेस और बर्गर्स खिलाओगे क्योंकि तुम्हारी उससे सेटिंग जो चल रही है। तुम उसके चक्कर में मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, उसने बता दिया होगा ना कि मैंने उससे रिश्वत ली है। ज्यादा चलाक मत बनो, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। हाँ अच्छा चक्कर नहीं है तो फिर तुम
रात को चुप चुप कर उसके साथ लॉन में क्या बातें कर रहे थे? अरे पगली, में उसे मिलने नहीं आया था, अपना चैलेंज पूरा करने के लिए आया था। पता नहीं ये ब्लू व्हेल वाले भी सारे चैलेंज इसी घर में क्यों दे रहे हैं। ओके, जिस तरह ये ब्लू व्हेल आपको बार बार चैलेंज दे रही है, इस तरह मैंने भी ब्लू कपड़े पहने हुए हैं और मैं भी आपको एक चैलेंज देती हूँ। क्या? वो ये कि आपके घर में अगर कोई क्यूट सा, म्यूट सा, हैंडसम और हसीन भाई है तो मेरी उस सेटिंग करा दो ना, मैं तुम्हें इन पैसों के डबल दूंगी। ओ बाजी, मैं कोई लीव मार्केट से नहीं आया, पैसे दे ईमान से। या अल्लाह, ये क्या? मैं अपनी ज़ियारत पर नहीं बुलवाया, मैंने कुछ पूछना था मुझे तुमसे। तो क्या बताओ, मैं मुझे क्या पता, मुझे तो ये सब कुछ मारिया की चाल लग रही है। क्या बोल रही हो, वो ऐसे कैसे कर सकती है? ठीक है, देखे ना, अब ये सब कुछ हमारे घर के लिए चैलेंज आ रहे हैं। वो बुढ़ा भी आया तो साला हमारे घर ही आया। वो तो इत्तेफाक से आया था। इत्तेफाक, चले ठीक है। अच्छा, अब वो जो स्मार्ट लड़का हमारे घर आया था, बर्तन धो रहा है, कचरे उठा रहा है, वो भी इत्तेफाक था? हो सकता है ये भी इत्तेफाक हो। अच्छा, तो फिर ये भी इत्तेफाक होगा कि हीरो गली में जा रहा है, गली में काम कर रहा है, कचरे उठा रहा है, गली साफ कर रहा है, और उसके बाद आपने जो उसको पैसे दिए वो एक बुरके वाली लड़की ले गई, ये भी इत्तेफाक था? ये भी हुस्न इत्तेफाक हो सकता है। मदल अम्मा, ऐसा तू ओला है नदल के ताज। हाँ, आते होते माल भी बहुत पली है। ये तो मुझे गड़बड़ लग रही है, हम सब मुतासिर हो रहे हैं और वो है कि खुश नजर आ रही है। तो जाके उसके होश ठिकाने लगाए ना। तो वो ऐसे कैसे मानेगी, उसे हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं रिंग लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं लू तो अम्मा था तो और मतलब है। हाँ फौजिया, ये तो है ही ना समझ, कुछ सोचो, उसका हल कोई निकालो, तो क्या करें इसके लिए। अब बदल तीती के पास भी चैलेंज आए ना तो वो मुझे बताए। अच्छा तो फिर तुम चैलेंज पूरा कर दोगी? नहीं, मैं ना मालिया तब मोबाइल दाते थे तलती। तू चेक नहीं कर, हम दोनों कर लेंगे। तू जाके ना उस आधी औरत को चेक कर, पता नहीं किन चक्रों में रहता है। अम्मा तुम क्या नदल से पीते पली लेती हो, हाथ धोते? सही कहती हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही है। तुम चुप कर लो, पहली सुनाई तूने तो देता नहीं है। जा। मिला? अरे देखने तो दे, इतनी जल्दी में क्या है? अरे जल्दी इस बात की, अगर मारिया ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे तो इसमें कोई खास नहीं मिल रहा। अरे खास तो तुम्हें अब्बा नहीं मिले तो क्या इसमें खास मिलेगा? लाओ मुझे दिखाओ। हाय अल्लाह, ये देखो व्हाट्सएप पे शर्मत से बातें हो रही है। ये शर्मत कौन है? अरे अम्मा तुम तो ऐसी बच्ची बन रही हो, ऐसे बता ही नहीं हो। ओहो, इस शर्मत को छोड़, नई मछली देख, उसका चक्कर देख, कुछ समझ में आया कि नहीं? रुकेंगे तो देखूंगी ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? और शाजिया, तुमने मेरा मोबाइल फोन अपने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? इसमें भी हमारा हाथ है ना बेटा। किस चीज का चाची? अरे तुमने टीवी पे इश्तिहार नहीं देखा कि अपने बच्चों पर और अपने घर में आने वाले लोगों पर नजर रखें ताकि वो ब्लू व्हेल मछली के गेम से बचे रहें। तो मैं इसीलिए तुम्हें फंसाना, मेरा हाँ मेरा मतलब है हम तुम्हें बचाना चाहते थे क्योंकि ये हमारा हक है। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, मेरे मोबाइल फोन को हाथ लगाए ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अच्छा तो अभी भी नहीं हुआ, अब सोना है यहाँ पे? नहीं, जाए यहाँ से। अब हाँ, मुझे तो वो करना चाहिए। हाँ। हद होती है, प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। फोन पे लॉक ही लगा लेती हूँ। हाँ भाई, हीरो तेरा नाम है? नहीं भाई, मेरा नाम तो मुन्ना है। अबे झूठ बोलता है, शुक्र कर तुझे गोली नहीं मारी मैंने। चल नाम बता। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। अबे अपना नाम बता। मेरा नाम मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। बेवकूफ बनाता है, अबे पूरा मोहल्ला तुझे हीरो हीरो कहता है। भाई मेरा नाम हीरो है, लेकिन गेम की वजह से मैंने नाम बदल लिया है। ओहो, तो तू भी ब्लू व्हेल का शिकार हुआ है? और नहीं तो क्या, मुझे चमाट खाने का शौक नहीं है। अच्छा ये बता कि संजीदा हाउस कहाँ है? हैं, आंटी की बच्चियों के चक्कर में आए। अबे तू अब शर्मत से इंक्वायरी करेगा?
चलो सरवन भाई फॉलो मी। अबे फॉलो मी कहते हैं? अरे मेरे पीछे आओ। बात सुन, जब गाड़ी है तो पैदल लेकर जरूर जाना है तूने, चल। अरे आइए 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 ना, हीरो लेके आओ ना। अब आए आए, इधर इधर इधर। जी जी जी, अम्मा देखिए कौन आया है। ये तो कोई आदमी ना, जाहिर सी बात है आदमी तो आदमी लगेंगे ना, औरत थोड़ी लगेंगे। ये वो वाले हैं, वही हैं। कौन से वही? अरे मौर्य जिनसे फोन पे बात करती थी वही, सरमान सरमान। आपको शर्म आनी चाहिए, आप जवान लड़के को छेड़ते। आंटी से और आगे, इससे बहुत पड़वा मुझे। जी मेरी मारिया से बात जरूर होती है, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था और वो कानून की हेल्प कर रही है। कैसा कानून, कहाँ का कानून और कैसी है? अरे सर आप कैसे हैं? आप क्या मुजिम का कुछ पता चला या नहीं? जी सब पता चल गया है, कौन इस घर में ब्लू वेल के नाम से घर वालों को बेवकूफ बना रहा है। अरे आपको क्या पता, हमें भी सब पता है, आप क्या बताएंगे। ये मारिया और कौन हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हमारे घर में ऐसा। जी नहीं, खुफिया पुलिस की सख्त मेहनत के बाद फौजिया मुलजिमा करार पाई है। जी अगर मारिया साइबर क्राइम सेल में कंप्लेन ना करती तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। खामोश, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मेरी फौजिया के साथ इतना बुरा सलूक क्यों हो रहा है? क्योंकि काती गेम पे तुम्हारी बीवी हमें ज़हनी अज़ियत देती रही। फौजिया डार्लिंग, तुमने मेरे साथ इतना बुरा सलूक आखिर क्यों किया, क्यों? डार्लिंग नदल, वो ना अदल में तुम्हें टैलेंट ना देती ना तो ये तबलत मुझ पे थत्थर लेते। ओके अच्छा, तो वो कौन था बेचारा जो आधी रात को एक टांग पे खड़ा होता था, और कौन था जो यहाँ पे आके हॉरर मूवीज देखता था? वो तो मुझे फोन तलते तन तलता था, इसलिए मैंने उसे सजा दे दी थी। सजा तो अब तुम्हें मिलेगी, मैंने लेडीज पुलिस बुलाई है और जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जेल की हवा से बेहतर है इसे समंदर में ले जाओ और किसी बेल मछली के आगे डाल दो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है अम्मा, इसको ठिकाने में लगाती हूँ। इसका शोर तो ताना था, हमारी अम्मा को भी अंधा बना दिया इसने। रुक जरा, आओ जरा। अपना दिल, मैं दिल जी, डाली डाली मुझे बताओ।